हमारे आज के प्रैक्टिकल का एम है टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए थिन रॉड बाय बार्टन हॉरिजॉन्टल एपरेटस। बार्टन के क्षैतिज उपकरण द्वारा किसी पतली छड़ के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना। इसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड एपरेटस है। तो एक बार्टन का एपरेटस है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, एक मीटर स्केल और हाफ हाफ केजी के वेट हैं जिनका हम यूज करेंगे। अब हम एपरेटस देख लेते हैं। इस एपरेटस में ये जो हमारी थिन रॉड है जिसका हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना है, यहाँ पे दो स्केल दिए हुए हैं S1 और S2 जो कि सर्कुलर हैं। इनके साथ दो पॉइंटर्स भी लगे हुए हैं। इस थिन रॉड को हमने एक पॉइंट A है और A एक पॉइंट B है जिसके थ्रू हमने इसको फिक्स कर लिया है। पॉइंट B के साथ एक पुली है जिसके थ्रू एक हुक लटकाया हुआ है जिसपे हम वेट हैंग करेंगे और रीडिंग फाइंड करेंगे। जैसा कि हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करनी है तो हम देख लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है पर उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में प्रत्यास्था की सीमा के अंदर इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मतलब अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति को हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं, इसे ईटा से डिनोट करते हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं जिसमें हमें दो टेबल दिए हुए हैं, ये फर्स्ट पॉइंटर के लिए और दूसरा जो टेबल है वो सेकेंड पॉइंटर के लिए। तो जो फर्स्ट पॉइंटर है उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो है मास ऑफ द लोड केप्ट एंड पेन, जो हम मास हैंग करेंगे उसका वेट। सेकेंड है रीडिंग ऑफ पॉइंटर व्हाइल इंक्रीजिंग द लोड, जब हम वेट लटकाएंगे तो कितना पॉइंटर या एंगल कितना मूव हुआ वो देखेंगे। सेकेंड है व्हाइल डिक्रीजिंग द लोड, जब हम वो वेट रिमूव करेंगे तो हमारा पॉइंटर कितना आएगा वो देखेंगे। नेक्स्ट है मीन रीडिंग और लास्ट है एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा वन जो हम आगे फाइंड करेंगे। ऐसे ही सेकेंड जो टेबल है उसमें भी सेम टेबल है। ये हमारा सेकेंड टेबल है, इसमें भी सेम टेबल के जैसे ही एस डी सारे कॉलम्स हैं। इसमें भी लोड की वैल्यू जो हम वेट लटकाएंगे, इसमें भी ऑयल इंक्रीजिंग द लोड सेकेंड है, ऑयल डिक्रीजिंग द लोड मेन रीडिंग और फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट, ऐसे ही दोनों कॉलम सिमिलर हैं। अब हम रीडिंग देख लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पुली है उसके थ्रू वेट हैंग करेंगे। जैसे ही वेट हैंग करेंगे तो हम देखेंगे कि पॉइंटर कितना मूव हुआ। तो स्टार्टिंग में जब हम वेट हैंग नहीं कर रहे हैं, जीरो वेट रहेगा जब, उस टाइम पे जो हमारे दोनों पॉइंटर्स होंगे वो जीरो जीरो पे होंगे। तो टेबल में जो पहला कॉलम होगा वो 0 ग्राम पे होगा और उसके करस्पॉन्ड जो पॉइंटर फर्स्ट में जो व्हाइल इंक्रीजिंग द लोड और व्हाइल डिक्रीजिंग द लोड जो हैं वो दोनों 0-0 रहेंगे दोनों पॉइंटर्स के लिए। फिर जो सेकेंड रीडिंग होगी वो होगी 500 ग्राम की। तो यहाँ पे जो हमारा ये हैंगर है वो भी 500 ग्राम का है। तो इसको हम जब हैंग करेंगे तो इस हैंगर के थ्रू इसको हैंग करेंगे। तो जैसे ही हैंग करेगा यहाँ पे पॉइंटर कुछ मूव करेंगे और जब पॉइंटर मूव करेंगे
तो हम रीडिंग यहाँ पे लेंगे कि फर्स्ट पॉइंटर के लिए व्हाइल इंक्रीजिंग द लोड कितना पॉइंटर मूव किया, और ऐसे ही सेकेंड पॉइंटर के लिए भी रीडिंग लेंगे। चलो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे दो सर्कुलर स्केल दिए हुए हैं S1 और S2। इस सर्कुलर स्केल के साथ दो पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं। अब ये जो पॉइंटर्स हैं वो उस रॉड के साथ लगे हुए हैं जिसके पदार्थ का हमें दृढ़ता गुणांक ज्ञात करना है। तो इस रॉड को हमने इस पॉइंट के साथ और ये जो पुली है इसके साथ फिक्स किया हुआ है। अब इस पुली के थ्रू हम क्या करते हैं, इस पे वेट हैंग करते हैं, और जैसे ही वेट हैंग करेंगे ये जो पॉइंटर्स हैं वो मूव करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम जो रीडिंग लेंगे उसमें हम जीरो वेट पे लेंगे। तो जब हमारा जो वेट नहीं होगा, कोई भी वेट जब हम नहीं लटकाएंगे, तो उस कंडीशन में ये जो दोनों पॉइंटर्स हैं वो जीरो पे होंगे। तो दोनों पॉइंटर्स जीरो पे होंगे, और जैसे ही हम वेट इस पे हैंग करेंगे ये पॉइंटर्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो हमारी सेकेंड रीडिंग होगी वो हमारे वेट हैंग करने के बाद 500 ग्राम पे होगी। तो हम सेकेंड रीडिंग देख लेते हैं। अब हम वेट हैंग करते हैं। ये जो हमारा हैंगर है वो ऑलरेडी 500 ग्राम का है, तो इस हैंगर को इस हैंग के थ्रू हैंग करेंगे। तो हमारा हुक है, इसको हम इसके साथ फिक्स करेंगे और यहाँ से हैंग करेंगे। जैसे ही हैंग करेंगे यहाँ पे पॉइंटर चेंज हो जाएंगे। तो हमारा वेट हैंग हो गया है। अब जैसे ही वेट हैंग हुआ ये जो फर्स्ट पॉइंटर है उसकी कुछ वैल्यू आएगी और इसकी, हम देख लेते हैं क्या वैल्यू है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू 4 है, और ये जो सेकेंड पॉइंटर है उसकी वैल्यू 2 है। तो ये दोनों वैल्यू हम नोट डाउन कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो वेट इंक्रीज करेंगे वो हम 500 ग्राम का करेंगे। इसको भी हम इसी के साथ हैंग कर देते हैं। जैसा कि जो हमारा फर्स्ट था वो 0 ग्राम था, 0 ग्राम पे हमारा जो इंक्रीज जो फर्स्ट पॉइंटर था वो भी 0। अब ये डिक्रीजिंग हम लास्ट में लेंगे। ऐसे ही ये फर्स्ट टेबल पॉइंटर फर्स्ट के लिए होगा, सेकेंड पॉइंटर के लिए भी हम देख लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंटर में भी सेम होगा 0 ग्राम, और जो फर्स्ट पॉइंटर जो लोड इंक्रीज करने पे जो डिग्री इंक्रीज होगी वो भी 0 होगी। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई। और जैसे ही हम सेकेंड रीडिंग लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 500 ग्राम हैंग कर रहे हैं। तो 500 ग्राम जैसे ही हैंग किया तो फर्स्ट पॉइंटर की जो वैल्यू आई थी वो थी 4। सिमिलर सेकेंड टेबल के लिए, सेकेंड पॉइंटर के लिए 500 ग्राम, और इसके लिए जो सेकेंड पॉइंटर की जो वैल्यू थी वो थी 2। अब हम वेट हैंग करते हैं। जैसे ही वेट हैंग हुआ पॉइंटर की वैल्यू चेंज हुई। जो फर्स्ट पॉइंटर है उसकी जो वैल्यू आई है वो है 9, और जो सेकेंड पॉइंटर है उसकी वैल्यू है 5। तो दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू हम टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट वेट हैंग करेंगे और रीडिंग लेंगे। जो सेकेंड थर्ड रीडिंग है वो 1000 ग्राम पे है। तो फर्स्ट पॉइंटर के लिए है, तो फर्स्ट पॉइंटर के लिए जो रीडिंग है 1000 ग्राम पे वो है 9, और इसी तरह सेकेंड पॉइंटर के लिए जो वैल्यू है 1000 ग्राम पे वो है 5। अब हम नेक्स्ट वेट हैंग करते हैं जो कि 1500 ग्राम हो जाएगा। जैसे ही वेट हैंग किया तो हमारी
पॉइंटर फर्स्ट और पॉइंटर सेकंड की वैल्यू आई, जो पॉइंटर फर्स्ट है उसकी जो वैल्यू आई है वो है 12 और सेकंड पॉइंटर की जो वैल्यू आई है वो है 8। दोनों वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेते हैं और हम एक लास्ट वेट हैंग करेंगे जो कि टोटल हैंग हो जाएगा 2000 ग्राम का। अब हम 1500 ग्राम पे वैल्यू देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो है 12, सिमिलर सेकेंड पॉइंटर के लिए 1500 ग्राम पे जो वैल्यू आई है वो है 8। अब हम लास्ट वन रीडिंग और लेंगे जो कि 2000 ग्राम पे होगी, उस और उस कंडीशन में हमारे जो फर्स्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं और ऐसे ही सेकेंड पॉइंटर की वैल्यू भी नोट डाउन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वेट हैंग करते हैं। हमारा जो टोटल वेट हो गया वो हो गया 2000 ग्राम और इस कंडीशन में हमारे जो फर्स्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो है 16 और जो सेकेंड पॉइंटर है उसकी जो वैल्यू है वो आई है 10। दोनों वैल्यू को हम टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं और इसके बाद हम वेट रिमूव करते जाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्हाइल डिक्रीजिंग लोड वाला जो कॉलम है उसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। जो हमारी लास्ट वैल्यू थी 2000 ग्राम पे वो है 16 और सेकेंड पॉइंटर के लिए है वो है 10। अब हम जैसे 2000 ग्राम का है उसके लिए जो ऑयल डिक्रीजिंग लोड वाला जो सेकेंड कॉलम है उसकी जो वैल्यू होगी 2000 ग्राम के लिए तो सेम होगी, क्योंकि इसके आगे जैसे ही हम कोई वेट हैंग करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी और जैसे ही वो वेट रिमूव करेंगे फिर से हमें वैल्यू 10 मिलेगी। तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10 और ऐसे ही फर्स्ट पॉइंटर के लिए भी जो लास्ट वैल्यू है डिक्रीजिंग के टाइम पे वो मिलेगी 16 और फिर हम 500 ग्राम वेट रिमूव करेंगे और देखेंगे कि 15000 पे डिक्रीजिंग के टाइम पे कितनी वैल्यू आती है और ऐसे ही वेट रिमूव करते जाएंगे और ये कॉलम में वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हम वेट रिमूव करते हैं। जैसे ही 500 ग्राम हम रिमूव करेंगे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंटर और सेकेंड पॉइंटर की वैल्यू कितनी आई है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू 12 है और जो सेकेंड पॉइंटर है उसकी वैल्यू 8 आई है। अब इन दोनों वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो हमारी वैल्यू आई थी रिमूव करने के बाद वो थी फर्स्ट पॉइंटर के लिए 12 और जो सेकेंड पॉइंटर है उसके लिए जो वैल्यू थी वो थी 8। अब हम नेक्स्ट वेट रिमूव करेंगे और देखेंगे कि कितनी वैल्यू मूव होती है। अब हम नेक्स्ट वेट रिमूव करते हैं। जैसे ही वेट रिमूव किया अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंटर की वैल्यू कितनी आई है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू है 8 और जो सेकेंड पॉइंटर है उसकी वैल्यू आई है 5। इन दोनों वैल्यू को हम टेबल में नोट डाउन कर लेंगे और ऐसे ही हम वेट रिमूव करते जाएंगे और वैल्यू देखते जाएंगे कि कितनी वैल्यू आई है। ऐसे ही हम लास्ट वेट भी रिमूव करेंगे। जैसे ही वेट रिमूव किया हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंटर और सेकेंड पॉइंटर कहाँ तक आए। तो फर्स्ट पॉइंटर है जो हमारा जो इनिशियल था वो 0 पे था तो ये वापस 0 पे आ गया है और सेकेंड पॉइंटर भी 0 पे मूव कर चुका है। थर्ड वेट रिमूव करने के बाद जो हमारे फर्स्ट पॉइंटर की वैल्यू थी वो थी 9 और सेकेंड पॉइंटर की जो वैल्यू थी
वो थी 5। ऐसे ही जब हमने नेक्स्ट वेट रिमूव किया तो फर्स्ट की जो वैल्यू आई थी एज इट इज थी 4 और सेकेंड पॉइंटर की जो वैल्यू थी वो थी 2। और जब लास्ट वेट जो हम रिमूव किया था उस पॉइंट पे दोनों की जो वैल्यू थी वो थी 0-0। और मतलब जो फर्स्ट पॉइंटर है और सेकेंड पॉइंटर दोनों अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गए थे 0 और 0। अब हम मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो आएगा वो 0 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2 4 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 9 ऐसे ही 12 और 16। अब हम नेक्स्ट जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा 1 फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसमें छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 4 में से 0 माइनस करेंगे, ऐसे ही 9 माइनस 4 करेंगे, ऐसे ही 12 माइनस 9 और 16 माइनस 12 करेंगे। तो फर्स्ट जो वैल्यू है 4 माइनस 0 करेंगे तो आएगा 4, 9 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 5, ऐसे ही 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 और 16 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब इनका एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन जो वैल्यू आई है इसको हम जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 अपॉन 4 इक्वल टू 4। तो थीटा 1 की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 4। अब हम सेकेंड टेबल के लिए देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंटर का जो है इसमें हम सिमिलर मीन फाइंड करेंगे कि हमारी जो मीन हो जाएगी वो 0, 2, 5, 8 और 10, और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा ऐसे ही जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसमें छोटी वाली को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3 और 10 माइनस 8 ये हो जाएगा 2। और जो हमारी थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, जो कि हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2.5। अब हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 2 पॉइंटर हैं इसमें से फर्स्ट पॉइंटर को हम L1 बोलते हैं और सेकेंड पॉइंटर को L2। तो हम इस फर्स्ट और सेकेंड पॉइंटर की इस फिक्स्ड एंड से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कि इस पॉइंट से फर्स्ट पॉइंटर की डिस्टेंस कितनी है और सेकेंड पॉइंटर की डिस्टेंस कितनी है। तो हम देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस है कितनी है। तो फर्स्ट पॉइंटर से इस फिक्स्ड एंड से जो सेकेंड पॉइंटर है उसकी जो डिस्टेंस है वो है 26 सेंटीमीटर, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो है 40.5 सेंटीमीटर। तो ये दो L1 और ये जो L2 है इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं टेबल में। फर्स्ट पॉइंटर जो L1 है उसकी जो डिस्टेंस है वो आई है 40.5 सेंटीमीटर, और जो सेकेंड पॉइंटर है L2 उसकी जो डिस्टेंस है वो है 26 सेंटीमीटर। अब हम जो रॉड है जिसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना है उसका हम रेडियस मेजर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक स्क्रू गेज का यूज करेंगे जिससे हम फाइंड करेंगे कि उसका रेडियस कितना है। अब हम रॉड का रेडियस फाइंड करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो स्क्रू गेज का मेन स्केल है वो है 0.4 और जो वर्नियर की वैल्यू आई है वो है 29। तो हम ये वैल्यू टेबल में पुट कर लेते हैं। अब हम टेबल में देख लेते हैं, इसमें है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो जो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है वो होता है 0.001।
1 सेंटीमीटर। फिर हम देख लेते हैं जो मेन स्केल है वो है 0.4। अब इसमें मेन स्केल हमेशा सेम होता है, चेंज नहीं होता है, तो इसमें हम तीन रीडिंग लेते हैं और तीनों का एवरेज फाइंड कर लेते हैं। इसमें हम मेन रीडिंग को, मेन स्केल की जो रीडिंग है उसको हम सिमिलर लिख लेते हैं 0.4, और जो सर्कुलर स्केल है, जो सर्कुलर रीडिंग आई है वो है 29। अब इस जो सर्कुलर स्केल है इस 29 में हम लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.001, जो कि होगा 0.029। ऐसे ही दो रीडिंग हम और लेंगे। अब हम नेक्स्ट रीडिंग ले लेते हैं, उसमें हम नेक्स्ट रीडिंग में हमारा जो मेन स्केल है वो तो सेम रहेगा, सर्कुलर स्केल चेंज होगा, तो सर्कुलर जो चेंज हुआ है वो अभी है 25। तो सेकेंड के लिए जो हमारा सर्कुलर है वो है 25। ऐसे ही हम थर्ड रीडिंग भी ले लेते हैं। थर्ड रीडिंग है तो जो थर्ड रीडिंग की जो वैल्यू आई है वो है 21 सर्कुलर के लिए। इस तरह हमें तीन रीडिंग फाइंड हो गई हैं जो कि हम टेबल में पुट कर लेते हैं। हमारी जो सेकेंड वैल्यू थी वो थी 25, जिसमें हम लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे 0.001, तो हो जाएगा 0.025, और जो थर्ड वैल्यू थी वो थी 21, इसमें भी हम लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे 0.001, तो ये हो जाएगी 0.021। अब ये जो लास्ट कॉलम है वो है टोटल रीडिंग, जिसमें हम मेन स्केल और ये जो सर्कुलर स्केल है इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.429, 0.425, और जो थर्ड है वो हो जाएगी 0.421। अब हम इनका जैसे ही मीन फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और तीन से डिवाइड करेंगे। तो इन तीनों को जोड़ने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो है 1.275। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डायमीटर फाइंड हुआ है वो हुआ है 0.425। ये हमारा रॉड का डायमीटर है, इसकी हम रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस जो होती है वो होती है डायमीटर अपॉन 2, तो हो जाएगी 0.425 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.21 और ये हो जाएगा 2। हमारा जो रॉड का, जो रॉड की जो रेडियस फाइंड हुई है वो है 0.2122 सेंटीमीटर।